अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। एक बार फिर टीपू सुल्तान पर बहस जारी हो चुकी है। हसरत तला के मुताबिक कांग्रेस के कायद और मैसूर के रुकन असेंबली जनाब तनवीर सेठ ने 100 फीट की टीपू सुल्तान की मूर्ति को तामीर करने का ऐलान किया और साथ में साबिक वजीर आला सिद्धरामैया ने भी इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 18वीं सदी के अजीम जंगजू और मुजाहिद आज़ादी की तारीख को मस्क करने का काम भाजपा कर रही। अब टीपू सुल्तान के मुजस्समे को तामीर का मौजू क्यों उठा और इस पर बहस क्यों छिड़ी हुई है, इसका मुख्तलिफ सियासतदान अपने हिसाब से तस्करा कर रहे हैं। वैसे भी एक अरसे से टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर को दागदार करने की कोशिश कुछ फिरका परस्त मुस्तकिल कर रहे हैं। आज तो भाजपा के MP प्रताप सिन्हा ने और भी आगे बढ़ते हुए टीपू सुल्तान किसी तरह का बादशाह ही नहीं था कहते हुए और भी तोहीन आमोज अल्फाज इस्तेमाल किए। हो सकता है कि टीपू सुल्तान की मूर्ति को सियासी मुफाद को हासिल करने के लिए बयानबाजी की होगी और यकीनन इस्लाम में बुत परस्ती की इजाजत नहीं है। कुछ भाजपा और संघ के लोग इसी दलील को आगे करते हुए कहा कि जब इस्लाम में बुतों की तामीर की इजाजत ही नहीं है तो टीपू सुल्तान की मूर्ति क्यों। लिहाजा इस बात को भी वाज़ह करते हुए तनवीर सेठ ने कहा कि कुछ फिरका परस्त टीपू की तारीख को मस करना चाहते, लिहाजा इस्लाम में इजाजत नहीं है, पर आने वाली नस्ल को इस बात दूर शेर हिंद की तारीख पता चले इसके लिए 100 फीट से जायद ऊंची मूर्ति को तामीर किया जाएगा। हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी बेंगलुरु आए थे और इन्होंने स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से 108 फीट ऊंची नार प्रभु केम्पेगौड़ा की ब्रॉन्ज से बनी हुई मूर्ति की इफ्तिताह की। वैसे भी कांग्रेस के तमाम स्कीमों योजनाओं के मुखालिफत अब भाजपा कर ही रही है। लिहाजा 2017 में सिद्धरामैया हुकूमत ने टीपू सुल्तान जयंती मनाने का ऐलान किया था जिस पर भाजपा ने एतराज भी दर्ज किया था। इसी दौरान भाजपा के रियासती कायद येडियुरप्पा ने भी टीपू सुल्तान जयंती मनाते हुए टीपू सुल्तान की तरह लिबास भी पहना था। भाजपा और कांग्रेस भले ही टीपू सुल्तान को लेकर सियासी जंग लड़ रहे हो लेकिन एक अजीम मुजाहिद पर जो इल्जामात भाजपा या संघियों की जानिब से लगाए जा रहे हैं यकीनन शर्मनाक ही कह सकते हैं। अब तो तारीख को ही बदल कर रखने का फैसला भाजपा हुकूमत ने किया है जबकि सभी जानते हैं कि टीपू ने ना सिर्फ रियासत को बचाने की कोशिश की बल्कि पूरे मुल्क को अंग्रेजों से बचाने के लिए सब कुछ निचार किया था। लेकिन कहते हैं जब टीपू था तो फिरंगी परेशान थे और टीपू की शहादत के बाद संघी परेशान हो गए। इन्हें मुसलमान मुस्लिम नाम से नफरत है और इसी के इर्द गिर्द इनकी सियासत चलती रहती है। अब जब 100 फीट की मूर्ति तामीर करने का फैसला किसी कांग्रेस लीडर ने किया है तो महज मुखालिफत इसलिए की जा रही है क्योंकि टीपू नाम से इन्हें नफरत है। खुद तो कभी किसी अंग्रेज से लड़े नहीं, इसके बरक्स अंग्रेजों की गुलामी और इनके मुखबिर बन के इनकी मदद ही करते रहे। और आज प्रताप सिन्हा कहता है कि टीपू ना तो बहादुर था और ना ही इसने कोई जंग लड़ी थी, मतलब जो तारीख के औराकों में महफूज है अब इसे भी झुटलाने लगी जबकि तारीख में ये भी महफूज है कि कौन मुखबिर था और कौन मुजाहिद था। आखिर इन्हें झूठ बोलते हुए भी शर्म नहीं आती, लिहाजा टीपू सुल्तान पर तौहीन लगाते हुए दिगर राजा बादशाहों की तारीफ भी करने से ये लोग नहीं चुकते क्योंकि अक्सर इस समाज की हिमायत हासिल हो इसका भी पूरा ख्याल रखा जाता है। फिर वो संगोड़ी रायन्ना, ओबव्वा, रानी चन्नम्मा, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप का जिक्र करते हुए टीपू को लेकिन गलत बोलने का रिवाज आजकल चल पड़ा है। पर क्या इस तरह इन लोगों के कहने से टीपू के बहादुरी के सबक यूं ही मिटा दिए जाएंगे? यकीनन नहीं। जितना चाहे पहले मुजाहिद आजादी टीपू सुल्तान को मिटाने की कोशिश संघी भाजपा करते रहेंगे उतनी ही चर्चा और इनकी सच्ची तारीख अवाम के सामने किसी न किसी तरीके से सामने लाने की कोशिश भी होती रहेगी। जरूरत है अवाम को समझने की। भाजपा और संघियों की जानिब से टीपू सुल्तान को कभी हिंदू विरोधी बनाने की कोशिश की गई तो कभी कन्नड़ मुखालिफ बताया गया और कभी ब्राह्मणों के कत्लेआम को जिम्मेदार ठहराया गया, लिहाजा टीपू शहीद कन्नड़ में माहिर थे। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मुगलों को लेकर जिस तरह गलत बयानबाजी की जाती है उसी दौर में भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। जिस तरह उत्तर भारत में मुगलों का दौर रहा उसी तरह से दक्षिण में टीपू सुल्तान की हुकूमत रही और भारत में इस दौरान कभी भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी वगैरह का कोई मसला नहीं था। दुनिया की सबसे बड़ी मैशत के तौर पर मुगलों के दौर को देखा जाता रहा है लेकिन धर्म मजहब की नफरत में डूबे हुए भाजपा हुकूमत हमेशा मुगलों को हिंदू विरोधी कहते हुए आज के दौर में मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश करते आए हैं जबकि तारीख में इस बात को वाज़ह किया है कि कभी भी मजहब धर्म के नाम पर यहाँ लड़ाइयाँ हुई नहीं क्योंकि हर बादशाह राजा अपनी सरहदों को वसी करने की जंग लड़ता था
मराठा, मुगल, राजपूत, अंग्रेज अपनी अपनी हुकूमतों के दायरों को बढ़ाने और दूसरे बादशाहों की जमीन पर कब्जा करने की जंग ही लड़ते रहे, लेकिन टीपू सुल्तान ने किसी तरह का समझौता न करते हुए इस मुल्क की हिफाजत की खातिर अंग्रेजों से कई जंगें लड़ते रहे। क्या टीपू सुल्तान अंग्रेजों से मुहिदे कर रही की जिंदगी भी जी सकते थे जैसे दिगर बादशाह राजाओं ने किया, लेकिन मर जाना पसंद किया, गुलामी करना पसंद नहीं किया। जब अंग्रेज ने उन्हें जंग के मैदान से भाग जाने का मशवरा दिया और अपनी जान बचाने के लिए कहा तो वो मशहूर जुमले कहे जो आज भी हर एक उसे दोहराने की कोशिश करता रहता है, गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। इतना तो जरूर है कि शेर हिंद टीपू सुल्तान के तमाम वाकिए, कारनामे, इनकी जंगी दास्तान और निशानियां बतौर दलील मौजूद है। इसे चाह कर भी झुटलाया नहीं जा सकता। उसी तरह संगियों के कारनामे, इनके माफीनामे, इनका महात्मा का कत्ल करना, इनके मुखबिरी, अंग्रेजों की चापलूसी भी और आंख में दर्ज है। अपने आप को वीर कहने वालों ने कितनी बार माफीनामे मांगे, किसकी गवाही से भगत सिंह को फांसी हुई, सब तारीख के और आंख में दर्ज है। लिहाजा किसी फिल्मी डायलॉग की तरह जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, जब खुद में बहुत सारी खामियां मौजूद हैं तो बेहतर है कि खामोश रहे। लिहाजा भाजपा संघियों से मशवरा यही है कि टीपू सुल्तान की शख्सियत को दागदार करने की कोशिश करने से पहले अपने दामन में लगे दाग भी धोने की कोशिश करें। वक्ती तौर पर कुछ सुर्खियां तो बटोर सकते हो, लेकिन कोई भी किसी धर्म मजहब का हो, इनके किरदार को मिटाना ना तो पहले मुमकिन हुआ है और ना ही बाद में। भारत में वैसे भी मूर्तियां लगाने का दौर जारी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। लिहाजा टीपू सुल्तान ने जब इस मुल्क के खातिर इतना सब कुछ निछावर किया है तो कोई मूर्ति लगाना चाहते हो तो इसकी मुखालफत क्यों करे? और क्या वाकई टीपू सुल्तान की मूर्ति को लेकर जो बवाल खड़ा किया जा रहा है इसका फायदा क्या भाजपा को आने वाले चुनाव में मिल सकता है? ये भी उतना ही जरूरी है। बेलगाम शहर में हुई कस्टडी डेथ फिलहाल चर्चा का मौजू बन चुका है। इस मौत को लेकर पुलिस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हुए सीबीआई की मांग की गई है और जल्द सीबीआई मोहकमा बेलगाम में तफ्तीश के लिए पहुंच सकता है, इसी तरह भी हासिल हुई है। बस प्रभु गौड़ा पाटिल को गांजा के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और महज आधे घंटे में ही इसकी कस्टडी में मौत हो गई। इनके घर वालों ने पुलिस पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि पुलिस ने ही बस प्रभु गौड़ा को जान से मारा, लिहाजा कमिश्नर पुलिस डॉक्टर बोरलंगिया ने मामले को सीबीआई को सौंपने की बात कही। आज पंचमशाली लिंगायत का इजलास रखा गया था जिसमें सतीश जारकीहोली पर तंज करते हुए बसवन गौड़ा यत्नाल पाटिल ने हिंदू लफ्ज पर अम्बेडकर ने तो नहीं कहा लेकिन तुमने बुद्ध बसव अम्बेडकर के बारे में कहा। सतीश जारकीहोली का नाम न लेते हुए तू तड़ाक से बात करने की हिम्मत यत्नाल ने जुटाई, ये भी तब्दीली की एक निशानी कह सकते हैं, क्योंकि गोकाक में जाकर जारकीहोली के बारे में कहना भी एक जुरत ही कह सकते हैं। लिहाजा एक बार फिर पंचमशाली लिंगायत इजलास में चौतरफा हमला जारकीहोली पर किया गया। यो बुद्ध बसव अम्बेडकर अरे बुद्ध बसव अंबेडकर नावे माड़ी दो माराय नी फोटो हाकड़े निंदते ननगू नहीं बुद्धि कल्ती ताकत्तो नहीं हिंदू धर्म बे मतर ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರೆ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆದಂಥವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಂಥವ್ರು ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರು, ನಿಮಗೇನು ನೈತಿಕತೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಯಾರು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು 8,000 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೊಘಲರು ಬಂದರು, ಟಿಪ್ಪು ಬಂದ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರು, ಏನೂ ಕಿಸಿಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀ ಯಾವ ಕಿಸ್ಯಾವೋ ಬ್ಯಾನೆ ಆಗ್ಲಕ್ಕತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯತ್ನಾಳ ಸ್ಟೇಜ್ನಿಂದ ತೆಗಿ ಅರೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಂತಿಂಥವ್ರು ಹೋಗ್ಯಾರ, ಎಂತಿಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೀನಿ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಳಿಸೀನಿ. ನೀ ಏನಾರು ತಾಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೋಡ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಪಾಪ ಯಾವುದೋ ಮುಗ್ಧ ಜನರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಯತ್ನಾಳ ಜಗತೀವಿ, ಯತ್ನಾಳೇನು ಕಿಸಿತೇವೋ? ಅಧಿಕಾರಿಗಿದ್ದಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಿಸಿದಾಗಿಲ್ಲ, ನೀ ಏನು ಕಿಸಾಮದಿ? ಇವತ್ತು
ನೀವೇನು ಹಾಡು ಹೇಳಕ್ಕತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಎಂ ಕನ್ ಮರಳಿ ಜನರಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಬಂದು ಎಂದಿರ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವೇನಾರು ಹೆಣ್ಮ್ಯಾಗ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹಗರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಹಗರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಬಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಹಗರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಸಂಭಾಜಿ ರಾಜ ಬಗ್ಗೆ ಹಗರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳತ್ತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೀವೇನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಏನು ಬೇಕಾದ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಡೀತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ಮ್ಯಾಗ ನಡೀದಿಲ್ಲ, ನೀವೇನೂ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಈಗೇನು ಕತ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ಏಕಪಾಠ ಚುಚ್ಚು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಹೋಗೋದು? ಅದು ಇದನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರ ಏನೋ ಗೋಕಾಕ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹ್ಞೂ ಮಾಡಿರಿ. ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೊಡಿತೀರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಗಾಡಿಗೆ ಗುದ್ದುತ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಟೆ ಗುದ್ದಲಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಐತೆ, ನಮಗೂ ಗುದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಐತೆ, ನಮಗೂ ವೀರಾಣಿ ಕಿತ್ತರ್ಚೆ ನಮ್ಮದ. AYVM पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की जानिब से मेडिकल बेदारी मुहिम चलाई गई. घर घर जाकर मुख्तलिफ मोहल्लों में कौन सी बीमारी से ज्यादा मुतासिर लोग आए इसका जायजा लिया गया, ताकि उन जगहों पर जाकर मेडिकल कैंप रखा जाए और उन्हें बीमारी से निजात दिलाने की कोशिश की जाए, ऐसा AYVM पैरामेडिकल के जिम्मेदार अनीस मुल्ला ने बताया. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. हम AYVM पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट शिवाजी नगर घर क्रॉस बेलगावी से. हम यहाँ पे जो अवेयरनेस कैंप कर रहे उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहते. हम लोगों ने पूना के अंदर बहुत सी चीज़ें, बहुत से एक्टिविटी, बहुत से अवेयरनेस कैंप किए हैं. सेम हम यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं इस हिसाब से कि यहाँ पे जो भी लोग हैं उन लोगों में हेल्थ अवेयरनेस होना ज़रूरी है. हेल्थ अवेयरनेस अगर होता है तो बहुत सी बीमारियों से परहेज किया जाता है. उस सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ पे जनरल हेल्थ अवेयरनेस का एक कैंप रखा है, यह उसका फॉर्म है. तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हर एरिया में विजिट कर रहे हैं. वहाँ पर विजिट करने के बाद में उनसे हर घर के मेम्बर्स से उनकी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है. और उसमें कुछ कॉमन 18 बीमारीज हैं, ऐसी बीमारियाँ हैं जो आमतौर पर पाई जाती है, और उन बीमारियों के लिए कैंप करना है या उन बीमारियों को निजात पाने के लिए हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं. तो उसके सिलसिले में डेटा कलेक्शन इससे हम कर सकते हैं. डेटा सिलेक्शन के लिए हम आप सब लोगों से गुजारिश करें कि जो भी बच्चे आपके पास सर्वे के लिए आएंगे उन सब बच्चों को आप इंफॉर्मेशन दे दीजिए, ताकि आपके एरिया में जो भी सर्वे के लिए आएंगे या आगे चल के कोई भी कैंप होंगे हेल्थ रिलेटेड उसमें सहूलियत हो जाएंगे. 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के मौके पर जंपिंग जैक किड्स क्लब में मुख्तलिफ इजलासों का एहतमाम किया गया. जंपिंग जैक बेलगाम का पहला किड्स क्लब है, जहां बच्चों के लिए सॉफ्ट प्ले यानी मुख्तलिफ खेलों का इहाता है, जिसमें बच्चों के लिए सारे तफरी खेल और सरगर्मियां हैं. प्री स्कूल और डे केयर की सहूलत भी यहाँ पर मौजूद है. यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक बर्थडे पार्टी पैकेजेस और सालगिरह मनाने का हॉल भी मुहैया है, ऐसा बताया. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़. शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़.